नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहले के लाइव सेशन में हमने विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस किया और अब उन सभी जो पेपरों का हमने डिस्कस किया था उनका हम क्विकली रिविजन कर रहे हैं। तो इस आज के रिविजन टेस्ट सेशन में कुल 50 प्रश्न रहेंगे और ये पेपर है कृषि अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2020 का, जो 19 जनवरी 2021 को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर कंडक्ट करवाया था। तो आइए इन 50 प्रश्नों का एक क्विकली टेस्ट लेते हैं और आपको भी कमेंट करके वीडियो खत्म होने के बाद में बताना है कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न है वो करेक्ट हुए हैं, ताकि आपका भी तैयारी आपकी किस स्तर की है उसका भी पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1587, 88, 89 या 85? तो 1587 को मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर एक है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित साहित्यकारों को उनके शासकों से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साहित्यकारों के नाम और ये जो साहित्यकार है ये किन शासकों के काल में रहे थे? मुहूर्त नैणसी, महात्मा नरसेन, अत्रि मुनि जेतार। तो मुहूर्त नैणसी आप सभी जानते होंगे भलीभांति, जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, जोधपुर के महाराजा। तो ए में तीन है तो विकल्पों को देखते हैं, केवल और केवल तीसरे विकल्प में ही ए में तीन दिया हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। और भी आपको देख लेना है एक बार पुनः, महात्मा नरसेन राव मालदेव के दरबारी कवि थे, अत्रि राणा कुंभा के और मुनि जेता राय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा अजमेर में, ऑप्शन नंबर दो है करेक्ट आंसर। आपको कमेंट करके बताना है कि ये प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित की गई थी। विश्लेषणात्मक लाइव सेशन में हमने इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नृत्यों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राई, मांदल, चरी और तेहरा ताली ये नृत्य दे रखे हैं और आगे है जातियां। तो राई जिसे गौरी नृत्य कहते हैं ये भील जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। तो एक में तीन है वो कौन से ऑप्शन में है? केवल और केवल दो ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से प्रश्नों की जो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न प्रेजेंट किए गए हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल है, वो उसका देखने को डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी प्रश्न है। कूट में आपको ज्यादा कुछ घुमाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मांदल है ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, चरी गुर्जर का और तेहरे ताली कांवड़िया पंथ की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर दो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढटकी थाली एवं खिराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा करेक्ट आंसर, मारवाड़ी। ये थाली नहीं है, थली है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल, मुहूर्त नैणसी, पृथ्वीराज राठौड़। तो सूर्यमल मिश्रण को राजस्थानी कवियों में नव जागरण यानी कि रेनेसा के प्रथम कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है संगीतज्ञ और उनकी रचनाओं को, चांदखा, पुंडरिक विठल, देवर्षि भट्ट और द्वारिकानाथ। तो स्वर सागर और स्पष्ट सागर ये चांदखा की रचना है। ऑप्शन नंबर एक से चार हो जाएगा सही सुमेलित। तो एक में चार यानी कि ऑप्शन नंबर दो में ही है तो ये ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, पुंडरिक विठल की बात करें तो इन्हें रसमंजरी, रागमाला ये जो ग्रंथ है वो पुंडरिक विठल का है, नर्तन निर्णय इत्यादि। देवर्षि भट्ट की बात करें तो इन्होंने संगीत सार की रचना की थी और द्वारिकानाथ भट्ट ने राग चंद्रिका की रचना आपसे की थी। तो एक में चार, इसके अलावा दो में एक, तीन में तीन और चार में दो यानी कि ऑप्शन नंबर दो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोती बेगम किस समाचार पत्र से संबंधित थी?
जगहितकारक, राजपूत गजट, राजस्थान समाचार, खेरखाए खलग। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राजपूत गजट, इन्हीं से संबंधित थी मोती बेगम। मेले और उनके महादिये हुए हैं कि कौन सा मेला किस महीने में आयोजित होता है? पुष्कर, जीण माता, भरतरी और डिग्गी। तो पुष्कर का मेला आप सभी परिचित हैं, कार्तिक मास की पूर्णिमा को आयोजित होता है अजमेर में। एक में तीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखते हैं सही आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। बिल्कुल एक से ही मिल गया, ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। और भी देख लेते हैं, जीण माता का मेला रेवासा सीकर में चैत्र महीने में आयोजित होता है। इसके अलावा भरतरी का मेला आपका भाद्रपद महीने में, ये भरतरी का मेला महीने में दो बार आयोजित होता है, मैंने आपको पहले भी बताया और कई बार पूछा भी गया है। डिग्गी का मेला आपका श्रावण मास में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिकर्मण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्रकारों को उनकी चित्र शैली या उपशैली से सुमेलित कीजिए। शैली या उपशैलियों के नाम है और चित्रकारों के नाम है, तिजारा, अलवर, जयपुर और किशनगढ़ शैली है। तो तिजारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो नंदराम और जमुना दास हैं। एक में तीन हो जाएगा। देखते हैं कि सही उत्तर मिलता है या नहीं मिलता है। बिल्कुल मिल गया, एक में तीन केवल और केवल एक नंबर विकल्प में है। और भी देख लेते हैं, अलवर, अलवर के चित्रकारों की बात करें तो बलदेव और गुलाम अली अलवर के हैं। जयपुर के साहिबराम और मोहम्मद शाह, किशनगढ़ के मूलराज और भीकचंद। तो यहाँ पर एक ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था, और अजमेर में स्थापित करने के पीछे मकसद क्या था वो भी हमने लाइव सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट है, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? रूपा जी बाकड़, कृपा जी धाकड़, नानक जी भील, बाल मुकुंद बिस्सा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? नानक जी भील। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन है नानक जी भील। रूपा जी, कृपा जी तो आपके बेंगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और आपको कमेंट करके बताना है कि डाबी हत्याकांड है इसकी डेट आप कमेंट करके बताइए, ये घटना कब हुई ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजयी महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, ये सभी। तो ये सभी जो प्रशस्तियां है ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, इलीचपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यही मान सिंह की मृत्यु होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की रचना है अजब दे पंवार, हंसाबाई, छत्र कुंवरी, किरण देवी। तो ये जो ग्रंथ है ये छत्र कुंवरी का है, ऑप्शन नंबर तीन है करेक्ट आंसर, प्रेम विनोद। अगला प्रश्न है, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? महाराजा छत्र सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सूरत सिंह या फिर महाराजा मान सिंह। ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा करेक्ट आंसर, महाराजा मान सिंह ने संन्यास ले लिया था अंततः। नेक्स्ट है, पीड़ितों का पंछड़ा नामक गीत किसकी रचना है? जयनारायण व्यास, नेनुराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, शिवराज जोशी। तो ये गीत जयनारायण व्यास का है, ऑप्शन नंबर एक है करेक्ट आंसर। इन्होंने आगीबाण और पीप नामक महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखी थी, हमने बताया आपको पहले भी। बिजोरिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केशवदास, अशोक परमार, राव गोविंद दास, ठाकुर कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर दो है करेक्ट आंसर, अशोक परमार। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? प्रताप, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, राजस्थान। तो सबसे पहले तो आपका राजस्थान केसरी आता है, उसके बाद में नवीन, नवीन और नवीन बंद होने पर तरुण।
ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है टोंक, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर। तो यहां पर अगर रियासतों के एकीकरण की बात करें तो टोंक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराणा प्रथम चरण में होता है और टोंक आपकी द्वितीय चरण में सम्मिलित होती है। तो एक नंबर पर क्या हो जाएगी, टोंक हो जाएगी। तो एक में केवल और केवल पहले ही ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में तृतीय चरण में आपकी उदयपुर है वो शामिल होता है, जैसलमेर चतुर्थ चरण में और अजमेर है वो अंतिम चरण में सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली। सायरा, नाग पहाड़, डोरा पर्वत, बिलाली। बिलाली, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, सायरा। बिलाली, नाग पहाड़, डोरा पर्वत, सायरा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अवरोही क्रम में पूछा है तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैंने आपको इनकी ऊंचाई भी बताई थी सभी की, जैसे सायरा की 900, डोरा पर्वत की 869, नाग पहाड़ की 795 और बिलाली की 775। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, नदी और सहायक नदी है, बनास की कोठारी, लूनी की सागी, काली सिंध की आहू, माही वाकल। चार हो जाएगा, माही। माही की वाकल नहीं है, वाकल वत्रक मेश्वा हतमती, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है राजस्थान के विभिन्न जिलों को और उन जिलों में कौन सी जिले हैं वो लोकेटेड हैं। अजमेर, डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर। अजमेर में कौन सी झील है, तो आपकी एक तो फॉय सागर झील है, ये अजमेर में है। आना सागर भी आपकी अजमेर में, पुष्कर भी अजमेर में। एक में तीन हो जाएगा, यहाँ पर एक में तीन, दो और तीन दोनों में है। आगे देखते हैं, डूंगरपुर में गेप सागर झील है, यानी कि इसमें भी दोनों में है ये भी। जोधपुर में आपकी प्रताप सागर झील है, सी में एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। जैसलमेर में बुझ झील है। अगला प्रश्न, सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं, अलवर, सिरोही, कोटा, उदयपुर। सालर के वन ये 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लेकिन कोटा में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, पाली, अजमेर, अलवर, सिरोही, उदयपुर इन जिलों में है। अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर। AW प्रकार की जलवायु राजस्थान के दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ इन जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मुकुंद्रा की पहाड़ियां भाग है मध्य अरावली, पूर्वी मैदान का, हाड़ौती पठार का, लूनी बेसिन का। तो मुकुंद्रा की पहाड़ियां जो कि विंध्यन भूमि का ही विस्तार है और ये हाड़ौती पठार का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियां, गंभीर नदी जावत पहाड़ियां, बाणगंगा नदी बेराट पहाड़ियां, माही नदी खमनोर पहाड़ियां। तो खमनोर की पहाड़ियां से आपकी माही नदी नहीं बल्कि बनास नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा करेक्ट आंसर। माही नदी मेहद झील से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। यह प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से रट गया होगा, मैंने कई बार आपको बताया था लाइव सेशन में। पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, जालौर। 1000 से अधिक, केवल मात्र एक जिला है जिसका नाम है पाली। कितना क्या है आपको कमेंट करके बताना है, मैंने आपको कई बार बताया इस सवाल के बारे में। नेक्स्ट सवाल है, 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया। नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो ट्राइबल जनसंख्या में सबसे ज्यादा डिकेडल आपका चेंजेज है वो डूंगरपुर जिले में परिवर्तन किया गया है, देखा गया है। ठीक है, और राजस्थान की ट्राइबल जो जनसंख्या है वो कितनी है, 13.5% है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। 2011 में कोटा जिले ने 76.6% साक्षरता अंकित की। 2011 में जालौर जिले के महिला साक्षरता न्यूनतम रही।
बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया। 2011 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या दर वृद्धि दर 21.3 रही। तो यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से सही आंसर का चयन करना है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो एक नंबर वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। कोटा जिले ने सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो 76.6 अंकित की और सबसे कम साक्षरता जयपुर जिले की है 54.9। दूसरी बात है सॉरी जयपुर की नहीं जालौर की है 54.9 और सर्वाधिक आपकी कोटा की है 76.6 और ऑल ओवर राजस्थान की है 66.1%। दो नंबर है कि 2011 में जालौर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, 38.5% जालौर की जो वीमेन लिटरेसी रेट है वो रही थी। तीन नंबर है बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या अंकित किया, जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी बीकानेर की नहीं थी, किसकी थी? जैसलमेर की थी और मैंने आपको बताया भी था 17 के बाद में दूसरा स्थान है बीकानेर का 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। के बाद में आपका बाड़मेर का नंबर आता है। तीन राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। नेक्स्ट है 2011 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 रही, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर तीन के अलावा ए बी और डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जिलों का कौन सा युग्म जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग या सैम की समस्या से अधिक प्रभावित है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, चूरू एवं भीलवाड़ा। तो वाटर लॉगिंग से सबसे ज्यादा उत्तरी राजस्थान के दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ है वो प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूराघाट एवं शिवपुर घाट स्थित है दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण पूर्वी अरावली। तो सूराघाट, शिवपुर घाट ये आपके मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। इसके अलावा बर परवेरिया ये भी आपके यहीं पर है, अजमेर में है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सीमेंट उद्योग, रंगाई एवं छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग, चर्म उद्योग। तो लूनी नदी के जल प्रदूषण का मेन जो रीजन है, मेन जो कोज है वो कौन सा है? रंगाई और छपाई उद्योग। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई? 12/8/1/2010। फरवरी 2010 में राजस्थान ने अपनी एनवायरमेंट पॉलिसी है वो घोषित की थी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है, अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अल्प वर्षा, नगरीकरण। ये चारों ही मरुस्थलीकरण के कारण है, लेकिन इसमें एक कारण है जो कि मानव जनित नहीं है, तो अल्प वर्षा है। ये प्राकृतिक कारक है, प्रकृति जनित कारक है, ना कि मानव जनित, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक। कल के पेपर में भी यही प्रश्न था, नवलखा झील आपकी बूंदी जिले में स्थित है। नौलखा बावड़ी, डूंगरपुर, नौलखा बुर्ज, चित्तौड़गढ़, ये सभी हमने डिस्कस किया था पहले। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिस जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? BWHW BSHW CWG AW। तो बाड़मेर और झुंझुनू की बात हो रही है, ये अर्ध शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश यानी कि BSHW के अंतर्गत आएंगे कोपेन के अनुसार, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? दौसा, करौली, जैसलमेर, राजसमंद। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपका दौसा जिले का न्यूनतम है इन विकल्पों में। अगला प्रश्न है, 56 मैदान भाग है लूनी बेसिन का, माही बेसिन का, बनास बेसिन का या फिर चंबल बेसिन का? 56 बेसिन आपका माही बेसिन का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, अजमेर, अलवर, करौली। बांसवाड़ा जिले में, इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर यहाँ पर यानी कि दक्षिण राजस्थान में ड्राई टीक फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? पैलियोलिथिक टूल्स, बागोर, आहाड़, भानगढ़, कालीबंगा।
यहाँ पर इन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे सटीक आंसर होगा वो बाणगढ़ है, जो कि अलवर में है। बागोर में मैंने आपको बताया मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, पहाड़ में ताम्र पाषाणकालीन, और कालीबंगा में भी हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष है वो मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले सुमेलित कीजिए कूट के माध्यम से। स्थल और जिले दे रखे हैं सिंगी तालाब, तिलवाड़ा, बीजक की पहाड़ी और नगरी। सिंगी तालाब कहाँ है कहाँ नहीं है आपको पता हो ना हो, लेकिन तिलवाड़ा सभी को पता है कहाँ पर है, बाड़मेर में है, बी में तीन हो जाएगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर तीन में ही बी में तीन है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। सिंगी तालाब को देखते हैं, ये आपका नागौर जिले में है, तिलवाड़ा बाड़मेर, बीजक की पहाड़ियाँ जयपुर में, और नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में है, तो यहीं से हमारा काम है वो बन जाता है। ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? गेरुए रंग की मृदभांड संस्कृति, काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति। लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी संस्कृति से प्राप्त हुए हैं ये पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ब्लैक एंड रेड, बी एंड आर, और तीन नंबर ऑप्शन है PGW, यानी कि पेंटेड ग्रे बियर, चित्रित स्लेटी रंग की, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर तीन भी करेक्ट है और दो भी करेक्ट है। फाइनली आंसर की जब भी आएगी तो मैं आपको और बता दूंगा इसका सबसे सटीक आंसर है वो आरपीएससी क्या मांगता है, क्या मानता है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करके रखें, वहां पर जो भी नए पेपर्स अपडेट होते हैं उनको आपको टेलीग्राम पर ही वो पेपर डाल दिए जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। जो भी पेपरों की फाइनली आंसर की रिलीज होती है तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर अपडेट होती रहती है, तो ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें। इसके अलावा इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में बेल का आइकन है इसे भी आप प्रेस कर देवे, ताकि हमारा डेली जो वीडियो अपलोड होते रहते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके, और टेलीग्राम चैनल पर भी हम वीडियो का नोटिफिकेशन डाल देते हैं तो वो भी आप जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कारकोट नगर, रंगमहल, नगरी और नादसा। नहर के अवशेष रंगमहल हनुमानगढ़ से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोजत, छोटी छादड़ी, पेरवा, एरनपुरा। तो छोटी छादड़ी मेवाड़ में भ्रमर माता का मंदिर है जो कि गुप्तकालीन मंदिर है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिजूरी अभिलेख के अनुसार शाम्भर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? विग्रहराज प्रथम, वासुदेव, दुर्लभराज, वागपतिराज। तो बिजोरिया अभिलेख के अनुसार शाम्भर झील इसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, ऑप्शन नंबर दो है करेक्ट आंसर। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़, उदयपुर, रणकपुर या फिर माउंट आबू। तो चित्तौड़गढ़ में आपका जैन विजय स्तंभ भी स्थित है जिसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं, और एक भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ जिसे महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था, ये भी यहीं पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संतों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। संत और जाति दे रखी है, जसनाथ, लालदास, रज्जब, बखना। जसनाथ जी जाट जाति से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर दो है करेक्ट आंसर। तो दो किसमें है, केवल और केवल दो में है, बाकी का आपको ना भी पता हो तो भी आप इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देने में सक्षम होंगे। और भी देख लेते हैं, पता नहीं आगामी एग्जाम्स में आपके ये पूछे या ना पूछे, इस प्रकार से और भी डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। तो लालदास जी मेव संप्रदाय से, रज्जब जी आपके पठान से, और बखना जी मिरासी जाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, खातोली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ये युद्ध सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, हाथी
हातोली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। ऑप्शन नंबर दो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, खातोली, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल नहीं था। मारवाड़ की जगह अगर यहाँ पर हाड़ोती आ जाता तो आप करेक्ट आंसर है वो कर सकते थे। मेवाड़ और हाड़ोती की सीमा पर स्थित था आपका खातोली, जो कि वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। तो धन्यवाद मित्रों, आप कमेंट करके बताइए कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न है वो आपने करेक्ट किए हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या रही है और ये सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दें। और भी मित्रों के साथ में इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इन्हीं पेपरों का आप डिटेल में एनालिसिस देखना चाहते हैं, विस्तार से विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो हमारे ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो या पहले या दूसरे नंबर की आपको प्लेलिस्ट में आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 40-45 वीडियोज है। तो उनसे आप एक वीडियो से लगा करके लास्ट तक इसका विस्तार से विश्लेषण है वो देख सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं देखा हो तो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहे तो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवश्य जुड़े, जहां पर भी आपको क्विज और पीडीएफ और महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको समय समय पर फ्री में मिलते रहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।